वडोदरा शहर में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स प्रवित्सव का आयोजन करते हुए शहर के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के जिला स्तरीय स्पोर्ट्स संकुल में प्रवित्स उत्सव का आयोजन करने के भाग रूप आज समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित राज्य कक्षा के जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार के खेल विभाग गांधीनगर द्वारा राज्य में खेल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच पर लाने के लिए जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल योजना के तहत पिछले कई सालों से कार्यरत की गई है। वडोदरा शहर में भी राज्य के जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल की प्रवेश उत्सव प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जो प्रवेश उत्सव प्रक्रिया 15 जून से लेकर 17 जून तक चलने वाली है, जहां गुजरात राज्य के 39 जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल के प्रतिनिधि उपस्थित रहने वाले हैं। साथ ही 22 जितने खेल को भी समाविष्ट करते हुए ये योजना में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 900 जितने खिलाड़ी राज्य भर से समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित प्रवेश लेने के लिए आने वाले थे, जहाँ आने वाले 3 दिनों में राज्य के 2100 जितने खिलाड़ी खेल विभाग की ये योजना का लाभ लेने के तहत प्रवेश लेने वाले है। सानू एडमिशन लेवा आया शू करवाना जो अहीं रमत गमत नु शू छे आकू कई जगह थी आओ जो गीर सोमनाथ क्यूँ गाम केवू लागी रह्यु छे अहीं तमे आया पछी शू कहेशो सरकार ने सरकार ने शू कहेशो कई जगह आया जो शू करवा आया तो કઈ ગેમ માં તમારું સિલેક્શન થયું છે? શું નામ છે તમારું? આજે શું રાખવામાં આવે છે? શાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે? કઈ જગ્યાએ રાખવામાં આવે છે? જિલ્લા કક્ષા સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ યોજના અંતર્ગત 38 શાળાઓ જે પસંદ કરેલી છે વિવિધ જિલ્લાઓમાં, એમાં ખેલાડીઓને પ્રવેશ આપવાની પ્રક્રિયા અહીંયા વડોદરા ખાતે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ સમા ખાતે રાખવામાં આવેલી છે પ્રક્રિયા। એમાં પ્રોવન ટેલેન્ટ ખેલાડીઓ જે છે એમને પ્રવેશ આપવાની પ્રક્રિયા આજ અત્યારે ચાલુ કરવામાં આવી છે। સાહેબ, આ છોકરાઓ કઈ જગ્યાએ જશે? શું છે આખો વિષય? હવે 38 શાળાઓ આખા રાજ્યમાં પસંદ કરેલી છે અને એ શાળાઓમાં રમતો પણ ફાળવવામાં આવેલી છે। એ રમતોમાં જ્યાં ખેલાડીની ટીમ બનતી હશે જે તે રમતની, અને વ્યક્તિગત હશે તો એ વ્યક્તિગત રમતમાં એમનો પ્રવેશ મળશે, અને ટીમ ઇવેન્ટ હશે તો એ ટીમ ઇવેન્ટ માટેનો ત્યાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે। આપનો પરિચય સર? એલપી બારિયા, એસએજી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત, ચીફ કોચ છું।